नमस्ते, आज मैं आपको बताऊंगी कि स और श में क्या डिफरेंस होता है और ये हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। तो जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है स और श का, स में लिप का जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम खुलता है, कम मिनिमल मूवमेंट रहता है, और श में लिप्स हमारे राउंड होते हैं, जैसे कि इस तरह से। इसके बाद जो तो ये दूसरा डायग्राम है, इसमें स और श का टंग पोजीशन दिख रहा है। तो स में हमारा टंग बहुत हल्के से आगे और ऊपर आता है, लेकिन श में थोड़ा और ज्यादा ऊपर आता है, तलवे तक नहीं छूता है, लेकिन और स के कंपैरिजन में थोड़ा और ऊपर टंग को उठाना पड़ता है। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये है स और श का डिफरेंस, और ये डिफरेंस बच्चे को सिखाने के लिए आप मिनिमल पेयर वर्ड्स, जो कि अभी आपके सामने आएंगे, इस तरह के वर्ड्स को यूज करके उससे डिफरेंस समझा सकते हैं और उसको ये सिखा सकते हैं। थैंक यू।